जी साहब, एक से बढ़ के कलाकार साहब आप तो उस रंगमंच पर गा करके जाएंगे सजनों। मैं तो उनके चरणों के रज के बराबर भी नहीं सजनों, और एक से बढ़ के कलाकार आपके इस रंगमंच पर आएंगे जरूर। हर गाने वाला बधानों नौले पे देना है सर, और जैसा कमेटी का आदेश, आदेश के अनुसार यह जिगड़ी प्रतियोगिता होगी साहब, सुनिए। कंठ बैठ मां सरस्वती और धरूं तुम्हारो ही ध्यान, श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले और दे गए मोकू गया। बंधुआ आइए ना, कोई साकी ना कोई भवानी, अपने ध्यान का वहां लगाएं विद्वानों। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो कि मेरे विद्वान श्रोता ने दो चार बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो। हर गावे वाले का तरीका बाढ़ अलग अलग होता है। बंधुओं ध्यान दीजिए, एक बार का जिक्र है, महाराजा सिंदूल और बुंज दो भाई थे सज्जनों। आज बड़े भाई सिंदूल का अंतिम दिन आया, छोटे भाई को पास में बुलाया, बुला करके कहा भैया यह मेरा अंतिम दिन है और मेरे मरने के पश्चात ये तेरा भोज कुमार तेरा भतीजा है, इसको यह महसूस यह नहीं होना चाहिए कि इसका कोई पिता नहीं है। इतना कह करके महाराजा सिंदूल अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कुछ समय पश्चात प्रजा का मालिक मुंज को बना दिया गया। जब गद्दी पर विराजमान राजा मुंज हो गया, एक दिन उसने सोचा अपने भाई की ध्यान बात आई कि मेरे को भोज कुमार पढ़ाना चाहिए। अच्छे से विद्यालय में बच्चे को एडमिशन दिलाया। भोज कुमार पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि देखूं तो सही कि मेरा भोज कुमार पढ़ने में है कैसा। आदि सी सेना सजाई विद्यालय में पहुंच गया, सभी गुरुजनों को एकत्रित किया गया, छात्र छात्राओं की परीक्षा ली गई और जब रिजल्ट आया तो भोज कुमार सबसे अव्वल नंबर पास आया। आज राजा महलों को वापस आ गया, रानी को पास बुलाया और रानी से कहा, रानी भोज कुमार को जानती है? महाराज आप भेकी भेकी बातें क्यों कर रहे हैं, वो हमारे बेटे जैसा है और यही बात आप मुझसे कह रहे हो कि भोज कुमार को जानती हो क्या? क्यों नहीं जानता, पूरा नगर जानता है, बाने पढ़ने में बहुत होशियार है। रानी ने कहा ये हमारे गौरव की बात है। नहीं रानी तू नहीं जानती, तू नारी है ना इसलिए तू नहीं जानती। जब भोज कुमार अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, आगे चल करके यही भोज कुमार हमारे राजपाट को छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं भोज कुमार को प्राप्त होने से पहले जीवित नहीं देखना चाहता। रानी ने बार बार समझाया, राजा ने एक नहीं सुनी, रानी को महलों से निकाल दिया। दरबार में ड्यूटी मंत्री करता था, मंत्री को बुलवा लिया,
मंत्री से यही शब्द कहा कि मंत्री भोज कुमार को जानता है, सरकार टूटी करते करते कई साल हो गई, भोज कुमार को बच्चा बच्चा जानता है, तो ये तलवार ले जा और प्रातः होने से पहले मेरे को भोज का शीश चाहिए। मंत्री ने जब इतना सुना दो कदम पीछे हट गया। बन महाराज, नादान उम्र है बच्चे की, मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा। राजा ने कह दिया, अगर तूने यही नहीं किया तो मैं तेरे को जिंदा दफना दूंगा दरबार के अंदर। तलवार को ले लिया। मंत्री ने मुड़ करके कहा मंत्री साहब से कि राजा साहब, मुझे एक बात तो बताइए कि वो नन्ना सा बालक मेरे साथ में किस बहाने से आएगा। अरे कह देना वो हमसे बहुत प्रेम करता है, कह देना उस बच्चे से कि तेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं, थोड़ा चला आएगा। ऐसा ही हुआ। विद्यालय से भोज कुमार को लिया गया, आगे आगे वो मंत्री और पीछे पीछे वो भोज कुमार है। अब शाम होती है और शाम को उसकी माँ सावित्री को मालूम चली, नगर के सभी छात्र छात्राएं आ गए, मात्र एक मेरा भोज कुमार नहीं आया। माँ की ममता माँ की होती है बंधुओं। अब सुनिए, यहाँ से मेरी कथा प्रारंभ होती है। आज भोज की माँ कहाँ विचार कर रही है। सबतन की, अरे
बिगड़ गई शोभा सब तन की, अरे छाती के फटत के मार चेत जान भर लई थमन की। सम्मानीय पुरस्कार होता है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा साहब, बारंबार धन्यवाद है। और भजनलाल भैया ले लो, पीछे ले जाओ। फटी जाए रानी की छाती, फटी जाए रानी की छाती, के हैं
कमाई है। आज छोटा सा बालक थर थर कांपने लगे हो और भजन लाल जी आगे हुआ क्या था? मंत्री साहब आपसे एक इजाजत है,
मंत्री ने कहा, बेटे क्या पूछना चाहता है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मरने से पहले मैं अपने चाचा के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा बंधुओं, अभी बच्चे को विद्यालय से लिया गया था, बस्ता साथ में ही था। मंत्री ने कहा, बेटे जो कुछ तू लिखना चाहता है वो तुरंत लिख डाल। कलम दबात निकाली, पत्र लिखना प्रारंभ किया और जिकड़ी की जो मेन पॉइंट हुआ करती है वो है उड़ान। आइए उड़ान के माध्यम से भोज कुमार पत्र लिख रहा हूं। कैसे सुमंत्री ठेरो थोड़ी दे चचा को लिख दूं एक पाती, चचा को लिख दूं एक पाती। सुनने को मिलेगी साहब। अरे भूख लग रही है।